क्या आप भी वॉल पुट्टी के साथ मोजाइक आर्ट ट्राई कर चुके हैं लेकिन हमेशा उसमें क्रैक्स आ जाते हैं या वो परफेक्ट नहीं बनती? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज मैं सारे कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि कैसे आप परफेक्ट आर्ट बना सकते हैं वॉल पुट्टी के साथ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमिता और मेरे चैनल पर आप इंडियन आर्ट से रिलेटेड वीडियो देखते हैं। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये लिया है यहाँ पर MDF बोर्ड जिसकी थिकनेस यहाँ पर 4 mm है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन इससे कम आपको नहीं लेनी है। अब यहाँ पर मैंने फेविकोल SH लिया है क्योंकि मैं बीच में एक बड़ा मिरर लगाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर स्टिक कर दिया है। अब ये जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए ये जो हमारा मेथड होता है पेपर के थ्रू हम जो सेंटर मार्क करते हैं, ये वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और इसकी हेल्प से बहुत ही आसानी से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले मिरर के बारे में। यहाँ पर आपको सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है, जब भी आप वॉल पुट्टी के साथ मोजाइक आर्ट बना रहे हैं तो आपको जो आपके मिरर हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रखना है। आप कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाएं जो कि आपके मिरर हैं वो पास पास रहें, बहुत ज़्यादा स्पेस उनके बीच में नहीं हो। अब यहाँ पर देखिए मैंने ऐसा ही डिज़ाइन बनाया है, जो हमारे मिरर हैं वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, उनके बीच में बहुत ही कम स्पेस रहेगा ताकि जो हमारा पेस्ट है जो हम आगे लगाने वाले हैं वो जब हम स्प्रेड करें तो बीच में बहुत ज़्यादा जो पेस्ट है वो ना आए, मिरर भी साथ के साथ हमारे आते रहें। इसकी हेल्प से भी जो हमारे क्रैक्स हैं वो कम आएंगे और जो हमारा डिज़ाइन है वो भी परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से आपको जो आपके मिरर्स हैं उनके साथ डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन आप चाहें तो अपनी पसंद से भी बना सकते हैं, जो भी आपका मन करता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम बनाने वाले हैं वॉल पुट्टी पेस्ट। पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको इतना पानी डालना है या आपको इतनी वॉल पुट्टी लेनी है। आपका जितना बड़ा डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग आप वॉल पुट्टी लें। ट्राई करें जो वॉल पुट्टी मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ सीमेंट बेस, यही वाली वॉल पुट्टी लें, क्योंकि मैं इसलिए ये वाली वॉल पुट्टी आपको बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इसके साथ काम किया है और इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। हो सकता है आप कोई और वॉल पुट्टी लेंगे तो उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा ना आए। अब इसके बाद आपको वॉल पुट्टी लेनी है और धीरे धीरे उसमें पानी को ऐड करना है। अब पानी ऐड करने के बाद आपको इसमें पहले ही यहाँ पर जो आपका कलर है वो ऐड करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम पेस्ट बना लेते हैं और उसके बाद हम कलर ऐड करते हैं तो हमारा जो पेस्ट है वो पतला हो जाता है। अब पेस्ट बनाते हुए भी आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, आपका जो पेस्ट है वो कुछ इस तरह से बनना चाहिए। अगर आपको लग रहा है पतला हो गया है तो आप उसमें और वॉल पुट्टी ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखें अगर आप पेस्ट पतला बनाएंगे तो आपकी जो वॉल पुट्टी है उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। वैसे तो फ्रेंड्स मैं वॉल पुट्टी से पहले सेरेमिक पाउडर, मार्बल डस्ट पाउडर, POP सभी के साथ मोजाइक आर्ट ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन सब में मुझे सिर्फ एक फ़र्क लगा है, जो वॉल पुट्टी वाला हमारा पेस्ट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टिकी लगता है, उसे फैलाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। अब इस तरह से किसी भी पत्ती वगैरह से या फिर यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा लिया है उसकी हेल्प से आप एक्स्ट्रा पेस्ट निकाल दें और उसके बाद जब ये गीला रहे तभी अपने हाथों पर आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी लेके आपको जो आपका एक्स्ट्रा पेस्ट है उसको क्लीन कर लेना है और अच्छे से सेट कर देना है। कुछ इस तरह से जो आपका पेस्ट है, जो आपके मिरर हैं वो दिखने चाहिए और इसके बाद इसको आपको ड्राई होने के लिए रख देना है। अब यहाँ पर ये अच्छे से ड्राई हो गया है, आप देख रहे होंगे साइड में आपको जो हमारे मिरर हैं उनके ऊपर वाइट वाइट नज़र आ रहा है, तो आपको इतना इसको ड्राई करना है। उसके बाद आपको एक गीला कपड़ा लेना है और उसकी हेल्प से धीरे धीरे इसको क्लीन कर देना है। इसे क्लीन करते हुए आप एक चीज़ का और ध्यान रखें, ट्राई करें एक ही डायरेक्शन में उसको आप क्लीन करें। ये नहीं करना है कि एक बार आप इस साइड कर रहे हैं दूसरी बार उसके अपोजिट साइड कर रहे हैं, इससे भी जो आपका पेस्ट है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स जो हमारी मोजाइक आर्ट है वो बहुत ही अच्छी बनी है। और अब चलिए देखते हैं इसे हम अपने घर में 3 different तरीके से कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ड्राइंग रूम में और वहाँ पर हम इसे बहुत ही सुंदर सेंटर टेबल के ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं और इसके ऊपर आप कोई भी लाइट वगैरह रख सकते हैं, फ्लावर पॉट वगैरह रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा।
और दूसरा आप इसको वॉल के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह की मोजाइक आर्ट के साथ वाटरप्रूफ ट्रे भी बनाना चाहते हैं या वाटरप्रूफ मोजाइक आर्ट बनाना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं और अपने लिए वाटरप्रूफ मोजाइक आर्ट भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आगे भी मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।